संसार के लोग ही प्रेमी होते हैं। और एक हमारे बहुत बड़े कवि हैं जो उनके कृपाल सिंह जैसे, उनकी कविता की एक लाइन एक पंक्ति है कि निकलिया घरों से देखो धूपिया मुंडेरा है, यानी सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं कि उठ के देखो धूप जो है मुंडे, यानी सत्य आ गई है। निकलिया घरों से देखो धूपिया मुंडेरा है, और जभी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। आज सब लोग उत्तर प्रदेश और बिहार को जान जाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में कि प्रभु रामचंद्र भगवान कृष्ण की परंपराओं के साथ बहुत कुछ परंपराएं जुड़ी हैं। बिहार भोगल भगवान गौतम बुद्ध की धरती से लेकर के दूसरे जगह जाते थे, तीन देश बताए। तो ये संस्कृति और कला जो है इसने नहीं कि सिर्फ वही आई है, लेकिन एक औतारिक महासमुद्र एक प्रेरणादायी जो भूमि है, और जब भी वहां से चाहे हम आए हो, चाहे निजाम गिराई आए, चाहे राजन सिंह जी आए हो, ऐसे बहुत सारे भाई संग्राम जी आए, जल्दी भाई साहब आए, ये सब लोगों ने अपनी संस्कृति लेकर रमेश भाई यहाँ आए। उसी संस्कृति का एक कलाकार, एक मतलब चित्रकार जो हम लोगों के परिवार के बीच, हम तो कहते हैं लाल रत्नाकर जी परिवार उतने नहीं है, हम सभी लाल रत्नाकर जी परिवार है। मुझे बड़ी खुशी, मेरी व्यस्तता थी बहुत महीने पहले, उठा कि आपको जाने के लिए किसी भेजना पड़ेगा, हम कब यही काम रह गया, मैं कैसे भी मेरी व्यस्तता है तो मैं आऊंगा। और इसके बाद हम पूरे परिवार को जाने के पहले एक साथ बैठेंगे और फिर हम कई चर्चाएं मुझे करनी है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाए तो मैं यही चाहूंगा किसी कवि की एक रचना है, मैंने कवि हूं ना साहित्य हूँ, आप नहीं सर ऐसे जानते हैं, वैसे भी राजनीतिक आदमी आदमी तो नेता बन सकता है, लेकिन नेता जिंदगी में आदमी नहीं बन पाता है, तो ये कहावत है। लेकिन इसके बारे में इतना कर सकता हूँ कि किसी ने कहा है कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये मैं लाल रत्नाकर डॉक्टर लाल रत्नाकर भाई साहब लेकर आऊँ, कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसले उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये भी शुरुआत मुझे लग रही है, और ये शुरुआत कितनी ऊंचाइयां पाएगा ये आप इसको देख सकते हैं, कि कभी कभी नहीं क्या होता है कि मॉडर्न आर्ट यानी जो चित्र समझ रहे हैं वही मॉडर्न आर्ट हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी वो खाने के बारे में बोलते हैं जो खाना नहीं समझा उसको चाइनीज कर दो, कभी कभी कोई बीमारी समझ रहे कि डॉक्टर लोग माफ कर उसको बोलते वायरस समझ नहीं आता क्या, और कभी कोई चर्चा करती बात कोई नतीजा नहीं निकले उसी पॉलिटिक्स कहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि शब्दों से अरुण जी हम लोग नहीं पता कर पाते, लेकिन यहाँ जो चित्र आपने प्रस्तुत किए हैं खास करके हमारी भारतीय नारी संस्कृति, हमारा नारी जगत है, हम हमेशा हिंदुस्तान जो है वो देवियों से शुरुआत हमारी हुई है, और देवियों को पूजा हमेशा जब भी जरूरत पड़ी अनाज की तत्पूर्णा देवी पूजा करी, जब शक्ति की जरूरत पड़ी दुर्गा की पूजा करी, विद्या की जरूरत पड़ी तो माँ सरस्वती की पूजा करी, धन की जरूरत पड़ी माँ लक्ष्मी की पूजा करी, और कुछ विचारों को अगर नष्ट करना पड़ा तो मुझे लगता है कि माँ काली की भी पूजा करी। तो ये हमेशा जैसे इन्होंने चित्रकारी की एक चित्रण किया है सचमुच ये हम प्रेरणा देने वाली चित्रकारी है। अगर आपने भाई साहब ने कहा कि मतलब कलर का कॉम्बिनेशन जो करा है, और महान एक चित्रकार अमिताभ सेवी जी के बारे में बताया कि उनकी कल्पनाओं को लेकर के चलने का प्रयास तो उन्होंने किया, लेकिन उस कल्पनाओं को साकार करने का काम जो है भाई डॉक्टर लाल रत्नाकर जी किए हैं। मैं मुंबई शहर के सभी रहवासियों से, मैं मुंबई शहर के सारे लोगों से, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कल बात कर रहा था, कल शाम को मैं छठ पूजा गार्जियन में उपराष्ट्रपति जी को छोड़ के जा रहा था, तो ये बात निकला कि कल शाम को आप कब लौटोगे, तो हमने कहा कि कल शाम को आज हमारे 7 बजे कार्यक्रम है, कई पत्रकार मित्रों के साथ सम्मेलन जैसे भोजन वगैरह है, हमने आपके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर दो चार दिन रहेंगे तो हमको मिलवाइएगा जरूर, पिछली बार भी अपनी इस बात हुई, यानी मुख्यमंत्री जी ने अपनी शुभेच्छा दी, वो भी कला के साहित्य बहुत ही प्रेमी, और आपने कहा कि इतना कई चीजें कि वो सिंह पूछ हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर निकलने के बाद हमको सभी साहित्य इससे संस्कृति जुड़े हुए लोग नहीं मिलेंगे, तो अगर उनको मैं बताऊंगी कि वो बगैर ऊंट का जानवर है तो मैं तुम्हें कहूंगा फिर हमारी हालत बड़ी खराब होने वाली है, लेकिन मैं कहूंगा कि वो जरूर ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे विचारों के साथ जुड़ेंगे। साहित्य ही एक ऐसा है जिसके जरिए सब थे, यानी कई जगह भाषा आपने कहा था कि आप हिंदी मराठी और संस्कृत, कई लोग नहीं पता होगा कि आज हमारे देवनागरी एक ही साहित्य राइटर से हिंदी मराठी और संस्कृत फैल चुके, कोई स्कॉलर नहीं कर सकता, और भाषा तो कभी विवाद के लिए है कि भाषा तो संवाद के लिए है, भाषा ने जोड़ा है, भाषा ने कभी किसी को तोड़ा नहीं, लेकिन अब कुछ पहलू कुछ प्रसंग ऐसे आ जाते हैं कि
व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आज के कार्यक्रम को प्रणाम करता हूँ और मैं यही शुभकामना देता हूँ कि आपके जितने मतलब यहाँ लगे हैं सारे मुंबई में ही रह जाए, ये कोई यहाँ से बाहर नहीं जाए। हम प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा, क्योंकि कभी कभी कार्यक्रम में से अगले साथ राजनीतिक आज से बोलने लगा, लोग तो आए थे डॉक्टर लाल बताकर जी के मतलब रचना को देखने आए थे, नैतिक कार्यक्रम चल रहा था, एक राजनीतिक आदमी रमेश जी खड़ा हो गया, अब वो बोल रहा है लोग तालियां बजा, उसको लग रहा है कि हमारे लिए सब ताली बज रही है। बहुत परेशान हुए जिस श्रोता को कोई चित्र अभी देख के उसको घर ले जाना होगा, जो अभी आपने कहा दूसरा कार्यक्रम है नाश्ता भी करना होगा, तो सुनते सुनते तक आगे राजनीति आदमी बोलते रहा, उसी श्रोता में हटके एक हाथ में डंडा लगा के वहीं बगल में खड़ा हो गया। उस राजनीतिक आदमी की नजर उसकी तरफ पड़ी, उसने कहा मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, मेरा वक्त तो समाप्त करता हूँ। उसने बोला नहीं आप बोलिए कितना बोलना है, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं उसे रोक रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो, मैं इस कार्यक्रम में आकर के अपने को सौभाग्य अपना सौभाग्य समझता हूँ। राजनाथ सिंह जी मीटिंग चल रही थी जो मैंने उनको बताया डॉक्टर लाल रत्नाकर जी के बारे में, उन्होंने तुरंत कार्यदर्शन समिति छोड़ा और इमारती सिंह दफ्तर में आए। सुहेल जो उर्दू साइंस जिनके पिताजी सही साहब आप उसने मुंबई जाते हैं, उन सही साहब के बेटे हैं, आज का मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह सब सुहेल एक नवे लड़का मैंने कहा चले आना था, निजामुद्दीन साहब परिचय निकाय जिसको मतलब बहुत रुचि है तुरंत मैं बताएंगे और मैं आया। सचमुच मैं आपको बधाई देता हूँ और प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और साथ साथ शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपकी ये चित्रकारी हमेशा आगे चलती रहे।